गाइस क्वेश्चन नंबर 312 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 24th प्रूव दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया. तो गिवन में पहले उसने बता दिया कि कोन का सरफेस एरिया लीस्ट है, ठीक है. नहीं सॉरी, लीस्ट कर्व सरफेस एरिया मतलब उसको हमने प्रूफ करना है. एंड गिवन वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम गिवन है दैट इज फिक्स्ड, हैज एन एल्टीट्यूड इक्वल टू रूट टू टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस. तो हमें प्रूफ करना है एच इज इक्वल टू रूट टू आर. तो सारी चीजें आते हैं, क्वेश्चन है कोन का, ठीक है जी. इसमें गिवन है इसका वॉल्यूम जो कि होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. उसके बाद टू प्रूफ करना है एच इज इक्वल टू रूट टू आर. और लीस्ट है मेरे पास इस क्वेश्चन में कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन. जब आप हर चीज लिख लेते हो ना, आप कभी नहीं फंसोगे इन क्वेश्चंस में, क्योंकि आपने डिफाइन कर लिया क्या किस चीज से मुझे रिलेशन बनाना है और किस चीज को मुझे मिनिमाइज करना है, मींस कहां से फंक्शन क्रिएट करना. ये लीस्ट है ना कंगना, तो ये फंक्शन है. श्योर, क्या होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन? पाई आर एल. श्योर, तो सी मेरा बन गया पाई आर एल. सही है बच्चा. हाँ, अब एजेंडा टू प्रूव में रिलेशनशिप मांग रहा है एच और आर में, और यहां पे एल आ गया. एक रिलेशन एल और आर और एच का भी होता है, याद है क्या होता है? एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस. हाँ, तो यहां से एल मेरा ये बना, बना के नहीं, यस और नो, ये जनरेट हुआ कि नहीं हुआ? अब रूट वाला क्वेश्चन बन रहा है. तो मेरा सी बना बेटा पाए आर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. रूट आ गया क्वेश्चन में, क्या करना चाहिए याद है कि अगर अगर कर्व सरफेस एरिया लीस्ट है तो उसका स्क्वायर और छोटा होगा. कहानी समझ में आ रही है? श्योर, तो मैं कहता हूं लेट ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर. तो ए मेरा क्या बन गया? पाए स्क्वायर आर स्क्वायर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. सब एग्री करते हो? बोलो यस और नो. अब एजेंडा है क्वेश्चन में से आर स्क्वायर खत्म करने का. मेरा वॉल्यूम था बेटा 1/3 पाए आर स्क्वायर एच, तो ये बन गया 3V अपॉन पाए एच इज इक्वल टू आर स्क्वायर. क्या ये बात समझ आई? वो क्या कर दें इसमें, सब्स्टिट्यूट कर दें. सो ए बन गया मेरे पास पाए स्क्वायर आर स्क्वायर की जगह 3V पाए एच, आर स्क्वायर की जगह 3V पाए एच प्लस एच स्क्वायर. बोलो जी. श्योर, पाए ने एक पाए काट दिया, अग्रीड. ए आ गया 3 पाए V अपॉन एच, इधर एलसीएम लिया नीचे क्या आया पाए एच, और 3V प्लस पाए एच क्यूब. इसमें कोई दिक्कत? श्योर. अब ये पाए से ये पाए भी कैंसिल हो गया. हाँ, अब मेरे पास एरिया बना. मैं ना थोड़ा सा इसमें फेरबदल कर रहा हूं, समझना. मैं ये एच स्क्वायर वापस अंदर लेके जा रहा हूं, ये एच स्क्वायर मैं वापस अंदर लेके जा रहा हूं, क्योंकि 3V मेरा कांस्टेंट है. यहां बन गया 3V अपॉन एच स्क्वायर, और यहां बन गया पाए एच. आई होप ये स्टेप समझ आया होगा. बोलो, अग्रीड? ये बात समझ आई या नहीं? एच अंदर चला गया, नीचे बन गया एच स्क्वायर,
थ्री वी ओवर एच स्क्वायर पाई एच क्यूब ओवर एच स्क्वायर पाई एच, ठीक है, ये बना मेरा एरिया अब तक का। अगला स्टेप क्या है, और ये पूरा एरिया किसमें आ गया, एच की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, अब आ गया ए डैश एच, थ्री वी एज इट इज कॉन्स्टेंट है, थ्री वी एज इट इज एच वन अपॉन एच स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस टू अपॉन एच क्यूब, और पाई एच का डेरिवेटिव पाई, श्योर, फुट ए डैश एच, तो ये जीरो बन गया और ये बन गया माइ सिक्स वी अपॉन एच क्यूब इज इक्वल टू पाई। बोलो जी, यहां से एच क्यूब क्या आया, सिक्स वी अपॉन पाई, अग्री, एच क्यूब क्या आया, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ये क्वेश्चन ना एच इन टर्म्स ऑफ आर करना चाहिए था, कोई बात नहीं उसमें भी देखेंगे, एच क्यूब इज इक्वल टू सिक्स वी अपॉन पाई, तो एच बन गया मेरे पास सिक्स वी अपॉन पाई होल रेज टू पावर वन बाई थ्री, होल रेज टू पावर वन बाई थ्री, यस और नो, अंडरस्टूड, क्यूब उधर जाके क्यूब रूट बना, इज दिस पॉइंट क्लियर, बोलिए, श्योर। अब देयरफोर आर स्क्वायर क्या बना, थ्री वी अपॉन पाई इंटू एच वन अपॉन एच मतलब इसका रूट, तो पाई की पावर वन बाई थ्री अपॉन सिक्स की पावर वन बाई थ्री इंटू वी की पावर वन बाई थ्री। क्या स्टेप समझ आया, क्या स्टेप सबको समझ आया, बेटे जो नीचे एच था मैंने इसका रेसिप्रोकेट कर दिया और सबको वन बाई थ्री दे दिया, श्योर। और मजे की बात देखो, ये 6 की पावर 1 बाई थ्री को लिख सकता हूं 3 की पावर 1 बाई थ्री इंटू 2 की पावर 1 बाई थ्री, ये पॉइंट समझ आया सबको। अब अगर नोटिस करो आर स्क्वायर इधर जाके बना, बेस सेम पावर्स गॉट सब्ट्रैक्टेड, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 बाई थ्री क्या बना, 3 की पावर 2 बाई थ्री, पाई की पावर 1 बाई थ्री माइनस 1 नीचे पाई की पावर 2 बाई थ्री, श्योर, बोलो, v की पावर 1, v की पावर 1 बाई थ्री, ऊपर क्या बन गया, v की पावर 2 बाई थ्री। आप नोटिस करो मैं पूरी जगह करके आ रहा हूं, मैं हर जगह क्वेश्चन को सेम पावर में कन्वर्ट कर रहा था, और यहां क्या आया 2 की पावर 1 बाई थ्री, सिर्फ इसने पंगा डाला अभी तक। r स्क्वायर इधर है, इधर आके क्या बनेगा, क्या बनेगा रूट, तो पावर 1 बाई टू बनी, 1 बाई टू इस पे चढ़ी तो क्या बना 3 की पावर 1 बाई थ्री। हाँ जी, हाँ वही कर रहा हूँ बेटे, देखो ना स्क्वायर इधर आके रूट बना मतलब पावर 1 बाई टू, 2 बाई थ्री इंटू 1 बाई टू 1 बाई थ्री, वी की पावर 1 बाई थ्री अपॉन पाई की पावर 1 बाई थ्री, सिर्फ और पंगा डाला इसने, ये क्या बना 2 की पावर 1 बाई सिक्स, यस और नो, क्या ये मेरा आर आ गया, बोलो बेटा। अब मुझे रिलेशन किसके बीच में दिखाना है, आर और एच के बीच में, हमें शो करना है एच इज इक्वल टू रूट टू टाइम्स आर, एच इज इक्वल टू रूट टू टाइम्स आर। अब मेरे पास एच ये था, श्योर, अब मैं यहाँ से एच निकाल रहा हूँ, सिक्स की पावर वन बाई थ्री को लिख दूंगा, थ्री की पावर वन बाई थ्री इंटू टू की पावर वन बाई थ्री, सॉरी ये स्टेप, ठीक है, v की पावर 1 बाई थ्री अपॉन पाई की पावर 1 बाई थ्री। नोटिस करो क्या डिनोमिनेटर में है पाई की पावर 1 बाई थ्री, क्या v की पावर 1 बाई थ्री है, बोलो, क्या 3 की पावर 1 बाई थ्री है, सिर्फ 2 की पावर 1 बाई थ्री फर्क डाल रही है। इसका मतलब यहां पे मैं अगर 2 की पावर 1 बाई सिक्स को अंडर रूट 2 की पावर 1 बाई थ्री कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं, समझे स्टेप, बोलो क्या ये स्टेप समझे। और ये चीज अगर मैं इधर ले जाऊं, कुछ गलत किया मैंने, तुम सोचना, यहां था 2 की पावर, नहीं बेटा गलत करके, 2 की पावर 2 बाई थ्री था, 2 की पावर 1 बाई सिक्स था, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं फिर तो हमने सही स्टेप किया था, वो
फिर तो हमने सही किया था, हमारे पास है यहाँ पे 1/3 है ना। अब एक नोटिस करना, अगर मैं यहाँ से आर ये रखूँ, यहाँ से मैं एक स्टेप चेंज करूँ, 2^1/6 इंटू आर अगर कर दूँ तो ये सारी चीज़ बन जाएगी, ये सारी चीज़ बोलिए। तो देयरफॉर, और ये सारी चीज़ ये भी है नहीं, इसके बिना बोलो, ये सारी चीज़ वही है ना जो ऊपर है, 3^1/3, v^1/3 और π^1/3। तो इसको लिख दूं h इज इक्वल टू 2^1/6 r इंटू 2^1/3। मैंने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये बना h इज इक्वल टू bsm पावर्स गॉट एडिड 2^1/6 प्लस 1/3 इंटू r। तो h बना 2^LCM लिया 6, 1+2 इंटू आर, तो 2^3/6 क्या बन गया, 2^1/2, और h क्या बन गया, √2। मैंने ये क्वेश्चन, मुझे क्योंकि मैं हर साल ये क्वेश्चन करता हूँ, ये क्वेश्चन इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता अगर मैं इस क्वेश्चन को h इन टर्म्स ऑफ r करता। ट्राई करना घर जाके ये क्वेश्चन h इन टर्म्स ऑफ r, क्योंकि ये पहली बार है इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन इतनी हैवी हुई है। बट आपको ये समझ आनी चाहिए, पेपर में हमने क्रैम तो नहीं किया होगा, एच को आर में जाना, आर में तो मेरे को तो आर स्क्वायर का लालच दिखा, मैंने यूज कर लिया। इज दिस पॉइंट क्लियर? बट आप अगर अपनी कैलकुलेशंस पे ट्रस्ट रखते हो ना तो आप क्वेश्चन कर जाओगे। आपको साथ साथ चलाना पड़ता है कि हमें प्रूफ क्या करना है। ये आ गया प्रूफ, बट अभी तक एक स्टेप रह गया इसका, डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव क्यों करना है, क्योंकि मांग क्या रहा है, लीस्ट कर्व सरफेस एरिया। क्या मांग रहा है, लीस्ट कर्व सरफेस एरिया। तो मैं यहां पे डबल डेरिवेटिव कर रहा हूं बेटा, ए डबल डैश एच, तो ये था मेरा डेरिवेटिव। इसका डबल डेरिवेटिव देखिए, 3v एज इट इज -6v एज इट इज बच गया 1/h³। 1/h³ का डेरिवेटिव -3/h⁴। तो ये माइनस माइनस बन गया +3/h⁴। क्या ये बात समझ आई? प्लस पाई का डेरिवेटिव, इस पाई का डेरिवेटिव 0। तो क्या ये यहां तक बच गया? और ये सारी वॉल्यूम हो, हाइट हो, सब लेंथ पॉजिटिव होती है, तो ये क्या कर दूं, ग्रेटर देन 0। सो एज ए डबल डैश एच इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर सरफेस एरिया इज लीस्ट, कर्व सरफेस एरिया इज लीस्ट व्हेन, उसने डायमेंशन ही पूछी थी ना इस क्वेश्चन में, क्या क्या पूछा था मेरे को, नहीं रिलेशन पूछा था, व्हेन एच इज इक्वल टू √2। क्या ये बात समझ आई? करिए जी।